और जब हम ना नहीं रहेंगे तब भी होंगे, तो उसको किसी पार्टी से कनेक्ट मत करो। आप लोग पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे क्यों करते हैं। अगर बीजेपी ने ये कोशिश की कि हाँ जस्टिस हो और वहां राम मंदिर बने, उसे ये नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं हूं रौनक। तकरीबन 500 साल के संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी संवैधानिक सुनवाई के बाद 5 अगस्त 2020 का वो दिन आया है जब सन 1528 से लगातार चल रहे इस संघर्ष में अयोध्या फिर से अयोध्या राम के आगमन की जी क्या जगह यार, उधर भगवान राम इनके पैदा हुए थे ना। अच्छा, न जाने कितनी पीढ़ियां इस सपने के लिए, इस संघर्ष को जीते हुए इस दुनिया से जा चुकी है। पर राम तो हर युग हर दौर में रहे हैं, राम भक्त भी हर दौर में रहे हैं। राम को बीजेपी का बताकर खुद को सेक्युलर बताने वाले क्या ये भूल गए हैं कि राम तो महर्षि वाल्मीकि के भी थे, राम तुलसीदास के भी थे, कबीर के राम थे, श्री गुरु नानक देव जी के राम थे, महर्षि अष्टावक्र के राम थे, महाकवि कालिदास के राम थे। ये राम का राम मतलब क्या चक्कर यार, राम यार उनके गॉड है, निराला जी के राम थे, मतलब वो थे, मैं समझ रहा था के राम हिंदू गॉड है, यानी राम पूरी दुनिया है और ये दुनिया ही राम की है। दुनिया भर में लोग श्री राम को भगवान और अपना आराध्य मानते हैं। दुनिया के कई देशों में राम लीला का मंचन होता है। हर देश में रामायण कथाएं और गाथा रामायण इस पे अच्छा रावण जो है। अच्छा, और दोस्तों यह इतिहास का एक कड़वा सच है कि बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हजारों श्रद्धा पुण्य और प्रेरणा केंद्रों को ध्वस्त करके उन पर अटैक करके राष्ट्रीय स्वाभिमान को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि उनको एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर किसी देश को किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चरल वैल्यू, सबसे बड़ा यही सीन है, उन पर आघात किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हो, या गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, ये सारे धार्मिक स्थल भारत की सांस्कृतिक प्रवाह धारा के आधार बड़े मंदिर और इतिहास में बार बार इन पर हमला किया। मतलब पूरी हिंदू कम्युनिटी के सबसे बड़े मंदिर। लोग हिटलर को हीरो माने या अमेरिका के लोग ओसामा बिन लादेन को हीरो माने, नहीं ना। तो भारत का समाज उज़्बेकिस्तान से आए हमलावरों को अपना आदर्श क्यों मानेगा, ब्रिटिशस्तान या उनके नाम पर बनाई किसी चीज को क्यों पूजेगा मानेगा। और ऐसा नहीं कि राम मंदिर का ये संघर्ष कोई पॉलिटिकल संघर्ष था या इसकी शुरुआत 90s में हुई हो। कई इतिहासकार मानते हैं कि 1528 सन में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर तोड़ने के बाद से ही बाबर, 1949 मतलब तक अकबर का जन्मभूमि के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोग अपना बलिदान दे चुके हैं। इसमें बाबर के काल में 4 बार, हुमायूं के काल में 10 बार, अकबर के काल में 20 बार, औरंगजेब के काल में 30 बार, अवध के नवाब सआदत अली के काल में 5 बार और नवाब नासिरुद्दीन हैदर के काल में 3 बार संघर्ष हुआ। संघर्ष भारतवासियों ने मतलब वापस लेने का बंद, क्योंकि भारत के लिए राम केवल पूजा के देव नहीं है, वे नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय गौरव, भारत भक्ति और मर्यादा के मानदंडों के अनुसार जीवन व्यवहार करने वाले राष्ट्र पुरुष हैं। दोस्तों हिंदुओं के लिए अयोध्या का महत्व उतना ही है जितना मुसलमान भाइयों के लिए मक्का का है, ईसाई भाइयों के लिए वेटिकन का है, या यहूदी भाइयों के लिए जेरूसलम का है। आज जब भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है तब भी कुछ लोग इस निर्माण को रोकने में लगे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ये वही लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे। फिर ये कहने लगे कि मंदिर वहां था ही नहीं। फिर ये कहने लगे कि वो वहां पैदा नहीं हुए थे। और जब ये सब क्लियर हो गया तो जिद कि बनाने नहीं देंगे। और जब लोगों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो ताना मारने लगे कि भाई मंदिर तो वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और अब जब तारीख भी तय हो चुकी है तो कहते हैं कि अभी देश के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। अरे कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। राम मंदिर ना जिद है ना जरूरत, ये अभिमान है, सम्मान है, गुणगान है उनका, जो मनुष्य रूप में आए ही इसलिए थे कि बता सकें कि मनुष्य को होना कैसे चाहिए। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तरस के साथ साथ मुझे शर्म भी आती है उन लोगों पर जो जय सिया राम और जय श्री राम सिर्फ इस वजह से नहीं कहते क्योंकि उनको लगता है कि एक पार्टी विशेष इस कैंपेन को चला रही है, और जय श्री राम कहेंगे वो तो वो उनके विचारधारा से टैग कर दिए जाएंगे। तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि हे सल्फेट शिरोमणि, राम तब भी थे जब वो पार्टी नहीं थी, राम तब भी थे जब आडवाणी और मोदी नहीं थे, राम तब भी थे जब तुम और हम नहीं थे, और राम तब भी रहेंगे जब ये सब सही में यार कोई शक नहीं। इसलिए अब भी मौका है, अपने ईगो और अपनी बेवकूफी को सरयू में बहाओ और जोर से दशरथ नंदन अयोध्या नरेश रघुकुल दीपक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय चिल्लाओ। और ये वीडियो सही लगा हो
तो और भी लोगों तक काफी इंफॉर्मेटिव थी यार, बढ़िया काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मुझे इसका इतना मतलब नहीं पता था यार। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो जरूर लाइक करना पेज को। अपना ख्याल रखना, जय श्री राम। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।